हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पूरी दुनिया की पांच बड़ी मौशियत के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि यूएस जो है वो सबसे बड़ी इकॉनमी है, सेकंड नंबर पे चाइना आ जाता है, थर्ड नंबर पे जापान आ जाता है, फोर्थ नंबर पर जर्मनी आ जाता है, फिफ्थ नंबर पर इंडिया आ जाता है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, इंडिया जो है फिफ्थ रैंक पर आ रहा है और उसने यूके को ओवरटेक कर लिया है। आज हम इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं। यूके को ओवरटेक किया है इंडिया ने। जब कोई कंट्री ग्रो करती है तो उसके पीछे उस कंट्री की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मौजूद होती हैं, और एफर्ट्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। यूके की बात करें तो यूके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और यूके ने जब इंडिया को छोड़ा तो इंडिया की इकोनॉमी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इंडिया के लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 16% था। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इंडिया के बारे में ये प्रेडिक्ट किया कि अगर इंडिया आज़ाद होता है तो कोई भी इंडियन जो है वो रूल नहीं कर पाएगा। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए तमाम इंडियंस ने इतनी एफर्ट की और उन्होंने आज यूके की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लिया है। जब हम किसी कंट्री को डेवलप होते देखते हैं तो उस कंट्री की एफर्ट जो है उसकी एग्जांपल्स हम अपने सामने रखने लग जाते हैं। तो अगर बात करें हम इंडिया की इकोनॉमी की तो 400 ट्रिलियन की इकोनॉमी उनकी होने जा रही है, इसी को देखते हुए वो फिफ्थ रैंक पर जा रहा है। जब इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब थी तो इंडिया ने इससे सबक हासिल करते हुए पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा एफर्ट की, और उनकी एफर्ट जो है वो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ का या उनकी इकोनॉमी को आगे मजबूत होते देखने का एक पिलर उनके तालीमी निज़ाम है, और उसके बाद आईटी के बारे में बात करें तो वो तो जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा पिलर है जिससे आपकी कंट्री जो है वो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ती है, बहुत ज़्यादा तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ आपका कंट्री जाता है। क्योंकि अगर यंग यूथ को हम एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इंडिया की मिसाल कुछ ऐसी है। इंडिया ने पिछले 20 सालों में अपने आईटी सेक्टर में इतनी ख़ास तवज्जो दी, उनकी यंग यूथ ने इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट की। इसकी मिसाल ऐसे है कि इंडिया अपने आईटी को ना सिर्फ अपने मुल्क में स्ट्रॉन्ग कर रहा है बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और वो 150 डॉलर्स के एक्सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सारे डिपेंड करता है उस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम पे। जिसकी आईटी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हो उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम मान लिया जाता है कि बहुत अच्छा है। इंडिया की इस सक्सेस के पीछे एक बड़ी वजह उनका आईआईटी इंस्टीट्यूट भी है, जो कि इंडिया के अलावा दुबई में भी ओपन हो रहा है। उस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है और अब मुल्क भर से लोग वहाँ पर जाके एडमिशन लेंगे। और कहा यह जाता है कि आईआईटी में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से लोग बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं और बहुत मुश्किल से वहाँ पर एडमिशन किया जाता है। इससे पता चलता है कि इंडिया ने अपने मयारे तालीम और इंस्टीट्यूट का मयार कितना अच्छा रखा है, जिससे वो इकोनॉमी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बनता ही जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2029 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थर्ड रैंक पर स्टैंड करने लग जाएगी, और वो जापान और जर्मनी को भी बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर शाया होती है। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में क्या भारत 2029 वाला टारगेट भी अचीव कर लेगा या नहीं। आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट देखें तो पाकिस्तान 3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ भरपूर तवज्जो दें ताकि हमारी यंग यूथ जो है वो परवान चढ़ सके और हम हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल का सेक्टर हो। और ये सेक्टर तब परवान चढ़ सकते हैं जब हमारी यंग यूथ को एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी, न्यू इनोवेशन हमारी यूथ में उजागर की जाएगी। हमें अपनी सन्नतों को मजबूत करने की ज़रूरत है जिसमें आईटी सेक्टर भी शामिल है, और गवर्नमेंट को ऐसे बड़े पैमाने पर उजागर करने की ज़रूरत है। जबकि हिंदुस्तानियों की डिजिटल तरक्की 10% सालाना की शरह नमू के साथ तरक्की कर रही है।
अगर हम इनकी तकनीकी सफ़र की तारीख में रोशनी डालें तो हम देखते हैं इनकी हुकूमत ने अपने मुल्क को दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों के CEO का घर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। अगर हम बात करें गूगल के CEO जिनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है, बात करें हम माइक्रोसॉफ्ट के CEO उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है, शैनल एक फैशन ब्रांड है उनकी जो CEO है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है, और कमला हारिस भी हमारे सामने एक अहम एग्जांपल है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करें या बड़े ओहदों की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पर भी हम इंडिया का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ते ही देख रहे हैं, और इस सब का एक ही क्रेडिट है एजुकेशन सिस्टम। जब हम अपने मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर रखते हैं तो हमारी नस्लें जो हैं इनोवेशन की तरफ जाती हैं और तरक्की की राहों में गामजन होती हैं। इंडिया ने पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाई है जिसके नतायज आज हमारे सामने हैं। खबर के मुताबिक बरतानिया छठे नंबर पर चला गया है, जहां से इसे 2019 की माली साल के दौरान दर्जा बंदी किया गया था। ब्लूमबर्ग्स की एक सर्वे के मुताबिक मार्च में ख़त्म होने वाली समाही में अमरीकी मआशियत की मालियत 550 मिलियन अमरीकी डॉलर थी, जो कि मार्च में ख़त्म होने वाली समाही में 816 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। हमें एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय हमें एक दूसरे को उठाने की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम के लिए 10 साल की ज़रूरत दरकार है, और तो और पाकिस्तान ग्रोथ तब कर सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आएगी, और तो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा तवज्जो देगी और यंग यूथ को मौके फराहम करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ देगी। जब वो एजुकेशन सिस्टम से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे तो वो क्यों नहीं इनोवेशन की तरफ जाएंगे। इससे हमारा IT सेक्टर के साथ साथ सनअती शोबे और भी बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, टेक्सटाइल की ही बात ले लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी परवान चढ़ेगी। यानी कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो पिलर है वो एजुकेशन सिस्टम है। हमें इस बात का अंदाज़ा बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी की वजह से आज हम इन हालात में पहुंचे हैं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को आज भी बेहतर करें, हम यंग यूथ को बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए देख सकते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने मुल्क को तरक्की करते हुए देख सकते हैं। और इस वक्त हमें अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाने चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी ग्रो कर सके। हमें अपने IT को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगले टॉपिक में हम तालीम पर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आया कि हम तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे तालीमी निज़ाम में जो फ्लॉज हैं और उसके साथ साथ इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ 1947 से अब तक की हिस्ट्री के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने रखेंगे। आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और मुझे आगाह भी कर सकते हैं नेक्स्ट मैं किस वीडियो पे व्लॉग बनाऊँ। थैंक यू सो मच।